नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम आपको एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं जिससे आप सभी पाप कर्मों से मुक्त तो होंगे ही, साथ ही आपको भगवान श्री हरि की प्राप्ति भी होगी। भगवान नारायण की प्राप्ति आपको होगी या आपके जो भी इष्ट हैं उन इष्ट देव की आपको प्राप्ति होगी। तो इस प्रयोग को समझने से पहले आपको एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगी और इसको समझने में आपको बड़ी ही आसानी होगी। आप इसे अच्छे तरीके से इस कहानी के जरिए समझ पाएंगे। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे। वो गांव के बाहर उन्होंने अपना एक आश्रम बना रखा था और उनके उस आश्रम में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष की वो सेवा किया करते थे। नित्य शनिवार के दिन वो उस पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाते थे और अन्य दिनों में वो उस पीपल पर जल चढ़ाते थे। अचानक एक दिन धर्मराज ने अपने दूतों को, उन्हीं के समान नाम का एक व्यक्ति था, उसको लेने के लिए भेजा। धर्मराज के दूत आए और भूलवश उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को ले लिया और उस ब्राह्मण देवता को लेकर चले गए। जब वो वहां पहुंचे धर्मराज के दरबार में, तो चित्रगुप्त भगवान ने जब पूरा हिसाब देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो आप गलत व्यक्ति को ले आए। इनकी तो उम्र अभी बहुत बाकी है। आपको तो उस व्यक्ति को लाने के लिए भेजा था जो इन्हीं के नाम का था। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, गलती तो हो गई। धर्मराज ने कहा कि भाई ब्राह्मण देवता, हमें आप क्षमा करिए और आप नीचे चले जाइए, वापस चले जाइए। तो ब्राह्मण देवता ने, जब ये चर्चा हो रही थी उस समय उनके कानों में रोने की, चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ये आवाज़ें कैसी हैं? भगवान ने बताया कि ये जो लोग हैं ये पापी लोग हैं और वो नर्क में हैं। नर्क में उन्हें इतनी यातनाएं दी जा रही हैं जिनकी वजह से ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, एक बार हमें उनको दिखा दीजिए। धर्मराज उनको लेकर के गए और वहां दिखाया जाकर के तो कई लोग वहां पर चीख चिल्ला रहे थे। उन ब्राह्मण देव से बड़ी प्रार्थना की उन लोगों ने कि प्रभु हमें बचा लीजिए, हम बड़े पापी हैं और हमें तरह तरह की यहां यातनाएं दी जा रही हैं। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान नारायण से ध्यान लगाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, पीपल के रूप में आपकी आराधना मैंने की है, तो आप इन लोगों को नर्क से मुक्त कर दीजिए, इन्हें इनकी यातना से मुक्त कर दीजिए। तो इतना संकल्प करते ही धीरे धीरे वो लोग उस यातना में शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान नारायण के धाम को जाने लगे। पर उनमें से कुछ लोग रह गए। तब उन ब्राह्मण देव ने उनसे पूछा कि ये बताइए, क्या आपने कभी न कभी मानव के रूप में जन्म तो आपका हुआ ही होगा, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। कहने का भाव ये रहा कि वो लोग अत्यंत पापी थे और उन्होंने अपने जीवन में एक सबसे बड़ा पाप ये किया था कि पीपल के वृक्ष को काटा था। भगवान नारायण ने उनको समझाया, ब्राह्मण देव, ये जो लोग बच गए हैं इन्होंने अपने जीवन में पीपल के वृक्ष को काटा है, इसका अपराध इन्हें मुक्त नहीं होने दे रहा है। तो इस कहानी से कई बातें उभर के आती हैं। एक तो ये कि हमें अपने जीवन में कभी भी पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश, जैसे घर में है और काटना पड़ जाए, तो उसके स्थान पर हमें कम से कम 5 पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए और तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए, उनमें जल चढ़ाना चाहिए जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष के पास ना जाएं, उसको स्पर्श ना करें, उसमें जल ना चढ़ाएं। और यही बात तुलसी जी पर भी लागू है कि रविवार के दिन आप जो हैं, तुलसी और पीपल दोनों में से किसी के भी पास आपको नहीं जाना है और ना ही जल चढ़ाना चाहिए, ना ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, दरिद्रता आती है और वो दरिद्रता आपको जीवन भर परेशान करती है, कष्ट देती है। इसलिए ये बताया गया है शास्त्रों में कि पीपल और तुलसी के वृक्ष के पास रविवार के दिन नहीं जाना चाहिए और ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए, ना ही दीपक जलाना चाहिए, ना ही जल देना है। दूसरी बात जो उभर के यह आती है कि पीपल के वृक्ष को काटना महापाप होता है। उसके कई कारण हैं। एक तो उसका कारण यह है कि पीपल के वृक्ष में तीनों देवताओं का निवास होता है और भगवान नारायण का तो ये स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इस पीपल के वृक्ष में तीनों देवता निवास करते हैं।
लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि उस पीपल की पूजा करें जो किसी देव स्थान के पास हो, किसी आश्रम में हो, किसी तीर्थ स्थान पर हो, उसकी पूजा करें। लेकिन जो शमशान में हो उस पीपल के वृक्ष की पूजा मत करें, क्योंकि वहां पर नकारात्मक शक्तियों का भी निवास हो जाता है जो बाद में आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। तो ये जरूरी है शनिवार के दिन यदि आप एक दीपक जला देते हैं, चाहे वो सरसों के तेल का जला दें, चाहे वो घी का जला दें, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के जड़ में यदि आप जल चढ़ा देते हैं तो इससे भी आपके पाप नष्ट होते हैं। ये कहानी तो यही बता रही है। बस रविवार के दिन ध्यान रखना है इस बात का कि पीपल के वृक्ष की सेवा नहीं करनी है, पीपल के वृक्ष के पास से भी नहीं गुजरना है, ना ही उनको स्पर्श करना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।